हाय साथियों। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं एसबी सर के पास, और एसबी सर सोचे कि वर्कशॉप के बारे में, इनके यहाँ एक अलग वर्कशॉप है डीजल मैकेनिक का, तो हम लोग सोचा कि डीजल मैकेनिक के वर्कशॉप के बारे में बता दे रहे हैं का तो वहाँ के टूल कैसे होते हैं, क्या क्या टूल हैं, डीजल फिटर से कितने डिफरेंस टूल वहाँ पे रखे जाते हैं, इंजन कौन कौन सी है। तो अभी हम दोनों लोग मिल के एक ओवरव्यू आपको बताएंगे कि क्या क्या है, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम हर एक टूल के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सर टूल की तरफ आप दिखा दीजिए, टूल के बारे में विवरण करा देते हैं। देखिए शुरुआती दौर में यहाँ से देखिए टूल की स्टार्ट हुई, जैसे कि हर एक वर्कशॉप में जानते हैं हैमर और स्क्रू ड्राइवर यहीं से शुरुआत होती है, डिवाइडर पंच से। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अभी हम हर एक टूल के बारे में विवरण कराएंगे आगे। तो इस भी सर आप आगे जाइए, पीछे क्या कर रहे हैं वहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, टूल्स हैं आपके, है ना? जैसे आपका ये आपका डिवाइडर है। फिर से एक बार सर बता दीजिए कि स्टूडेंट को और दर्शकों को कि किस वर्कशॉप में आप हैं। मैं अभी रघुवीर राम प्राइवेट आईटीआई, ये डीजल शॉप है, डीजल मैकेनिक का शॉप है, और यहाँ पे आज एक छोटा सा ब्लॉग है जिसमें आपको टूल्स का मैं दिखाऊंगा फिगर, और अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक टूल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसा कि दिलीप सर ने आपको पहले से बताया। तो ये देखिए यहाँ पे जो अलमीरा में रखे हुए हैं छोटे छोटे डिवाइडर हैं और मतलब टूल्स हैं। बाकी ये देखिए टूल्स, इसको बॉक्स बोलते हैं। मास्क इस समय मास्क तो हटा दिया, अकेले हैं तो मास्क निकाल दीजिए। ठीक सर, ये देखिए और टेबल पे देखिए सारे टूल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सभी टूल्स देखिए बाकायदा सुसज्जित रखे हुए हैं। ये देखिए आपका स्पैनर है सर, वो काउंटिंग सर करा रहे थे, तो उसी में मैंने कहा कि सर एक बार एक दिन डिले कर दें, मैं वीडियो बना दूं, उसके बाद फिर काउंटिंग करिएगा जी। बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से पूरे इंस्ट्रूमेंट है। अगली वीडियो में आपको हम लोग सभी एसबी सर की सहायता से मैं सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में परिचय आपको करा दूंगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है डीजल मैकेनिक में और उसका क्या काम है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे इंजन खुली हुई है और यहाँ पे ग्राइंडर से शुरू होते हैं एक यहाँ पे इंजन, और ये हाइड्रोलिक पाइप बेंडर। फिर आगे हम लोग जाते हैं, यहाँ देखिए इधर इस तरीके से, ये देखिए कार जेट वाशर्स धुलने के लिए, उसके बाद ग्रीस डिस्पेंसर, हाँ इसके बाद ये आगे का प्रोसेस, यहाँ पे पैनल वगैरह यहाँ पे रखे हैं। फिर एक यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है डीजल इंजन वर्कशॉप की, ये देखिए डीजल इंजन CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन 4 स्ट्रोक इंजन एक यहाँ पे रखी हुई है। फिर ये देखिए हवा, इसको क्या बोलते हैं सर, कंप्रेसर एक तरीके जो हवा भरी जाए। देखिए यहाँ पे है CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन इंजन, ये देखिए कि यहाँ पे है, और एक इंजन यहाँ पे है देखिए रखी हुई, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। बहुत सारी इंजन यहाँ पे रखी हुई हैं, जबकि ये एक ही यूनिट का है ना सर जी, एक यूनिट का आपका वर्कशॉप है। यहाँ पे बिल्डिंग टेबल वगैरह भी है, और बाकी एक ट्रक जो है चेचिस सहित बाहर खड़ी है। तो ये सब ये था, और अगली वीडियो में हम आपको सभी टूल के बारे में परिचय करा देंगे। तो देखिए अभी यहीं पे हम लोग हैं, टाइम हो चला है विद्यालय से निकलने का, अप्रोक्स 5:30 के लगभग हो रहा है, तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। अगली वीडियो में फिटर के भी और फिर एक नया बिल्डर, फिटर बिल्डर के सभी जो मशीनरी हैं इक्विपमेंट है उसके बारे में भी बना दिया जाएगा वीडियो, खासकर डीजल मैकेनिक और बिल्डर, ये दो ट्रेड जो है नए हैं, ज़्यादातर हर एक ITI में नहीं होता है, तो उसके बारे में जो टूल है सर बता दिया जाएगा। आप सब कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ 4 ट्रेड है, चारों में हम अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग और ट्रेनर को रखे हुए हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ हम थ्योरी का भी अच्छे से अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर के सहयोग से हम लोगों ने ये वीडियो को पूरा बनाया। अगली वीडियो में हम हर एक टूल के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा, जैसा कि मदद हमारे करेंगे एसबी सर। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका सादर आभार। धन्यवाद, थैंक यू।